तो गाइज़ क्या कोपा टॉप इलेवन डिफीट कर सकती है यूरो टॉप इलेवन को क्या लगता है कि अगर कोपा अमेरिका की सारी बेस्ट टीम में से 11 वो प्लेयर्स चुना जाए एंड यूरो की बेस्ट टीम्स में से वो 11 चुना जाए एंड अगर उनका मैच हो तो क्या कोपा अमेरिका की टीम यूरो की टीम को हरा सकती है सो so, इस वीडियो में विल ट्राई टू मेक अ टॉप 11 लाइनअप फॉर अपॉर उनके बारे में बात करेंगे एंड कोपा का भी टॉप इलेवन देखेंगे जो कि कॉनमेबोल ने रिलीज किया है एंड हम ये एनालाइज करेंगे कि क्या ये टीम मतलब दोनों में अगर मैच हो तो कौन जीतेगा एंड लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं जो इटली वर्सेज अर्जेंटीना का जो एक प्रोबेबल मैराडोना कप नाम से एक ट्रॉफी है लोग निकालना

यान सोमर ये भी कुछ ऐसे गोलकीपर्स कीपर्स हैं कैशपेश माइकल जो कि यू नो पॉसिबली वड हैव कम एट दिस प्लेस बट जो परफॉर्मेंस डोना रोमा ने दिए ना यार वो वो देख के तो मज़ा आ गया डेफिनेटली दो पेनाल्टी शूटआउट में उन्होंने बचाया सो मेनी सेव्स मतलब रिएक्शन बन रहेगा ही इज़ प्रॉपर उसकी एक ही वीकनेस मुझे लगती है दैट इज़ इन इज पासिंग बट आज यहाँ पे डोना डॉनर रूमा वेलकम ऑन ठीक है ठीक है भाई तो मेरा गोलकीपर तो सेट हो गया अब वॉट अबाउट द राइट बैक राइट बैक पोजिशन पर बहुत सारे प्लेयर्स थे डिल लोरेंजो वॉज देर एंड काइल वॉकर वॉज देर ट्रिपियर वॉज ऑल्सो देर महिला वॉज ऑल्सो देर तो किसको आप चूज करोगे जूबर वॉज ऑल्सो देर मेरे हिसाब से तेर इज़ वन पिक And जैसे जो सो ने कहा है कि उसके लिए बेस्ट प्लेयर था काइल वॉकर एंड मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि भाई काइल वॉकर वॉज वेरी 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 अंडर रेटेड इन दिस होल टूर्नामेंट बिकॉज भाई काइल वॉकर की जो परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड के लिए बहुत ही थी भाई बंदे को जो काम बोला गया बंदे ने वो काम किया एंड ई वॉज रियली रॉक सॉलिड अटैक करना तो अटैक करना डिफेंड करना तो डिफेंड करना वेरी रिजोल्यूट मेरे हिसाब से कि कोई भी पास नहीं आता है कायल वॉकर के तो अब बात आती है भाई राइट सेंटर बैक की एंड साथ ही साथ आप लोग बताते चलनाग्री विथ मी ऑर नॉट एंड में बताते रहना कि तुम्हारा उस पोजीशन पे कौन सा फेवरेट प्लेयर है सो राइट राइट सेंटर सेंटर बैक बैक की पोजीशन अगर right देखोगे मतलब बहुत ही क्लियर यार तुम लोग कहोगे बनूची तुम लोग लो कुछ और नाम ले लोग यहां पर एक बंदा जो कि मुझे बहुत इंप्रेस किया दैट इज ग स्पेलिंग गलत हो जाए भाई तो प्लीज़ माफ़ करना हैरी मै डेफिनेटली एंड बिकॉज बिकॉज मैं यहाँ पे लेफ्ट में नाम देने वाला हूँ केलेनी का ठीक है दीज टू वुड भी मैं पार्टनरशिप तुम कहोगे यार बनोच चेलेनी को खिला हो या उनकी पार्टनरशिप तो बेस्ट ही बट यार मैं यहाँ पर टॉप इलेवन बना रहा हूँ तो मैं ऐसा तो मतलब ऑब्वियसली यारोची चेलेनी की पार्टनरशिप तो वही वो वर्ल्ड क्लास है बट जस्ट बिकॉज ये टॉप इलेवन है मैं यहाँ पे मेग्वायर को भी डेफिनेटली रेड करना चाहूंगा बिकॉज उसका टूर्नामेंट सॉलिड रहा है भाई इवन जॉन स्टोज भी बहुत ही तगड़ा खिला है एंड यार यहाँ पे सबसे मेजर मिस एमरिक लपोर्ट द गायू हैज हैड द मोस्ट नंबर ऑफ पास इन दिस होल गॉड डैम टूर्नामेंट तो वो भी मिस आउट कर रहा है बट तुम समझ सकते हो कि मेगवायर का कितना ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा होगा दैट सो मेनी टॉप डिफेंडर्स आर मिसिंग आउट

मे बी बिकॉज जो जो रन ऑफ फॉर्म पर बंदा था टॉप अस कर रहा था टॉप सारे चांसिस बना रहा था टेक ऑन कर रहा था मोस्ट नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव कैरीज मोस्ट नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव पासिस इन ऑल इटली से तो एवरी थिंग दैट केम टू द अटैक फ्रॉम द इटालियंस

फॉर था बंदा इस टूर्नामेंट में पर्टिकुलरली जॉर्जिनो फॉर मी ही वॉज रियली रियली गुड एंड यार मैं जानता हूं कि बुस्केट्स का बहुत सही टूर्नामेंट था मैं जानता हूं हॉबियर एंड जाका का भी टूर्नामेंट बहुत ही तगड़ा था बट आई डू बिलीव एंड यार तुम फिर uh, कार्लन फिलिप्स डिकलिंग राइस का भी नाम लेना चाहोगे बट कैन यू कंपेयर दिम विद द वर्क ऑफ जॉर्जिनो नहीं नाम तो सो लेट मी नो लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग लेट मी नो योर चॉइस एज वेल बाकी अगर राइट मिडफील्डर की अगर बात किया जाए तो आई फील कि एक ही बंदा है ये बंदा इंजर्ड था ही वॉज इन प्लेइंग सो मच बट अब लेटली ही केम बैक सेकेंड मैच डे में आ गया तो उसके बाद से ही हैज स्टॉप मोस्ट नंबर ऑफ चांस क्रिएटेड बंदा वर राठी मिसिंग स्टार्टिंग गेम्स तो यार तुम समझ सकते हो कितनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिए वराटी ने इसका वर्क रेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है लोग मिस आउट कर देते हैं बिकॉज यू नो वर्ड ये बंदा भागता उतना नहीं है ना ये डजेंट रन तो आंखों को कैच नहीं करता बट इसके लाइन ब्रेकिंग पॉसेज इसके इंसेसिव ड्रिबल्स इसकी इंसेसिव पासिंग जिस तरीके से ये प्रेस को बीट करता है टर्न करता है वो थ्रू बॉस निकालता है टू तो फ्री मतलब जॉर्जिनो के साथ बेस्ट बेस्ट बेस पेयरिंग थी मेरे हिसाब से कि वराटी शुड बी ओवर हेयर एंड एक और बंदा है जो कि डेफिनेटली तुमने नाम सुनकर डिसअपॉइंट नहीं हो गए एंड दिस गाय पेड्री मतलब इमेंस परफॉर्मेंस फ्रॉम पेड्री डेफिनेटली पूरा यू नो सेमीफाइनल तक बंद ने खेला है मोस्ट मोस्ट नंबर ऑफ किलोमीटर्स रन वर्क रेट बहुत ही तगड़ा था बंद का डिफेंसिवली वॉज वेरी गुड क्रिएटिंग चांसेस में बहुत अच्छा था प्रोग्रेसिव कैरियर एंड प्रोग्रेसिविव पासिस में बहुत अच्छा था एंड यू नो वट इट्स नॉट जस्ट दी स्टार्ट्स जिसकी वजह से मैं पे provides, यहां पर पेट्री को यूज करूँ इट्स बिकॉज वॉट पेट्री एक्चुअली प्रोवाइड एंड इतनी हार्ड वर्किंग मिडफील्ड में पेट्री यहाँ पे बहुत ही क्रूशल होगा तो कैसे अब अगर बात किया जाए राइट विंगर्स की तो राइट विंगर्स पे अगर ऑप्शन देखो तो तुम मेरे पास एक ही ऑप्शन है एक ही नाम है जिसको मैं लेना चाहूंगा डेफिनेटली नो अदर देन फेदरी को सी सीनियर किएजा फेदरी को किएजा की बहुत ही टेरिफिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली बंदा टॉप स्कोर टॉप असिस्ट नहीं प्रोवाइडर रहा है बट वॉट ही हैज डन फॉर दिस इटालियन नेशनल टीम विल विल शुडेंट गो अंडर माइंड सो लड़के ने बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी थी यार मतलब फाइनल में तुमने देखा था कि फेदरिको खिएजा सब कुछ कर रहा था यू नो ही वॉज डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट द इंग्लैंड नेशनल टीम जो कि यू नो एक यू नो चांस बनाने का काम एटेन ही वॉज इंजर्ड एंड ही हैव टू बी टेक आउट ही वॉज द ओनली गाय फ्रॉम द टैलेंट ने टीम टू ड्राइव फॉरवर्ड टू क्रिएट समथिंग तो इट्स नॉट जस्ट दैट गेम उसका वो क्रेट पिछले गेम्स में भी कमिंग ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग द विनर एंड ऑल ऐसा सिनरो रहा है तो फेदरिको खिएजा का टैलेंट डेफिनेटली शुडेंट गो अम मेरे हिसाब से दिस गाय शुड भी गो रे आपको क्या लगता है आपका पिक क्या है वो मुझे बताना बाकी लेफ्ट एंड प्लैक पर डेफिनेटलीट इज दिस होल टूर्नामेंट कर दिया है इंग्लैंड का वन ऑफ है टूर्नामेंट का whatever, मारे? तीन या चार गोल स्टर्लिंग ने मारे ठीक है बहुत ही सारा चांस क्रिएट किया हर लिंकअप इंसान लिंकअपा किया रनिंग एक्सप्लॉइटिंग द डिफेंस ऑफ द डेनमार्क उनके पास कंटेन करने का तरीका ही नहीं था इवन इन एज वेल स्टर्लिंग काफी कुछ कर रहा था था, तो आई थिंक डेफिनेटली डिजर्व है यहां पे एंड अटैक पे हु एल्स हु एल्स बट दिस गाय येस क्रिस्तियानो रोनाल्डो बिकॉज अगर तुम देखो कि पीपल हैव सेलेक्टेड लुका को पीपल हैव सेलेक्टेड they have बिकॉज goals. स्कोर्ड Cristiano ने जितने गोल्स मारे हैं जितने समय में मारे हैं मुझे लगता है कि क्रिस्टियानो अगर फाइनल तक गया होता है वो मुझे लगता है कि अब पांच goal मार चुका था ना छः आठ सात आठ नौ गोल तक तो क्रिस्टिया मार ही रिया होता है यार ही वॉज इन अ ब्रेथ टेकिंग फॉर्म थोड़ी पोर्टिकल टीम उतनी अच्छे से नहीं खेल पाए दे हैड टू स्टेप अप उनको अगर स्टेप अप करके वो खेलते ना तो ही वुड हैव बीन देयर द फाइनल बट आई थिंक मेरे हिसाब से दिस गाय प्रॉपरली शुड बी देर इन दी लाइनअप तो ये हो गई मेरी टॉप इलेवन इसके बाद से कुछ मैंशन हैं सब्सिट्यूट बेंच के मैं जस्ट नाम लेके आपको बताना चाहूंगा एक लूक शॉ दूसरा गोलकीपर मैं अगर रखना चाहूंगा तो यान सोमर डेफिनेटली राइट बैक जूबर हॉबियर को मैं भी डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहूंगा बैकअप टू जॉर्जिनो वर्क बहुत ही दृढ़ता था हॉबियर का स्ट्राइक पर मैं रखना चाहूंगा पैट्रिक शिक को अड ऑफ लुका को बिकॉज शिक के मैंने कुछ इंस्टांस देखे जहां पर ही वॉज लीथ लीथिल फिनिशिंग की है बंद ने अवेयरनेस पोजिशनिंग बहुत ही प्यारी थी देन उसके बाद से डैम्स गार्ड अगर मैं स्टर्लिंग का रिप्लेसमेंट स्टर्लिंग को अगर मैं हटाऊं मैं सोच कि कि किसको खिलाऊं स्टर्लिंग की जगह पे दैट आई वुड चूज डैम्स गार्ड ट्वेंटी ईयर ओल्ड किड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फॉर डेनमार्क एंड मुझे लगता है ही डू मेकिंग अ बिग मनी मूव वेरी सून उसके बाद से केवन डिब्रोने एंड पॉल पॉकबा मिडफील्ड को कंप्लीट करने के लिए तो ये लोग हो जाएंगे एंड इससे हमारी सब्सिट्यूट भी कंप्लीट हो जाएगी एंड लाइनअप भी कंप्लीट हो जाएगा गाइस तो आपको क्या लगता है लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो उसके बाद से अगर मैं कोपा अमेरिका का आपको 11 दिखाऊं तो सबको पता है कि दिस इज द कोपा अमेरिका 11 मोरिसीओ इसला ये क्या कहते हैं चिली का प्लेयर है स्टुपीनियन विलेरियल का प्लेयर है फ्रॉम इक्वाडोर उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो कि योटू ने यहाँ पे पेरू का प्लेयर देन डीपॉल केसेमेरो अर्जेंटीना एंड ब्राजील से रेस्पेक्टिवली डियाज फ्रॉम कोलंबिया नेमार एंड मेसी तो ये हो गई हमारी कोपा अमेरिका की टॉप 11 तो गाइस अगर कोपा अमेरिका 11 वर्सेस यूरो टॉप 11 हो तो क्या सिनेरियो होगा कैन दिस टीम डिफीट द टीम ऑफ मतलब तो तुम देख सकते हो कि टैलेंट भरा पड़ा है क्रिस्टियानो कीएजा स्टर्लिंग मिडफील्ड में जॉर्जिनो वराटी एंड पेड्री है डिफेंस में मैगवायर खेलेनी, वॉकर है जो कि जिन्होंने मतलब यू नो गोल सी नहीं खाए इस पूरे टूर्नामेंट में बट अगर तुम उधर देखो यार उधर भी एक्सपीरियंस है उधर भी टैलेंट है उधर भी एक अलग तरीके की वॉर है इसको खेलते नहीं देखा बट जस्ट हर्ड कि बहुत ही क्रिएटिव बहुत ही अच्छा बंदा है ये भी एंड इसलो हमने वेरी गुड कोपा अमेरिका मेसी है तो मेसी किसी टीम में हो नेमार एक साथ यू नो यू के नॉट राइट ऑफ एंड उन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक और बंदा लगता है मैं कह रहा हूं ऑफ दी प्लेयर्स ऑफ दिस होल टूर्नामेंट बंदे ने चार गोल मारे वॉज टेरेफिक का गेंस कोलम्बिया में यही बंदा था जो कि मेरी फाड़ था हमेशा वेनेवर ही वॉज गोइंग डाउन दैट लेफ्ट फ्लैंग तो आई बिलीव कि यार ये टीम चैलेंज कर सकती है डेफिनेटली आई वॉन्ट से कि दे वुड विन बट क्योंकि एक डिफरेंट गेम स्टाइल होता है कोप अमेरिका का थोड़ा एक मोर फिजिकल आस्पेक्ट होता था मोर एक यू नो राट गेम होता है एंड इवन तो टेक्निकालिटीज़ के मामले में आप देखो तो अगर यूरो थोड़ा बेटर हो जाएगा टेक्निकली बट यहाँ पे अगर विगर अगर स्पिरिट की बात है तो दिस टीम ऑफ कोपा अमेरिका ऑल्सो वॉन्ट स्टैंड बैक तो बहुत ही एंड टू एंड गेम हो सकता है काफी इंटरेस्टिंग आपको क्या लगता है कौन जीतेगा अगर हम इन दोनों का मैच करा दें तो लेट मी नो मेरे लिए तो आई वुड फील की यार पता नहीं क्यों आई वुड फील की डेफिनेटली यार यूरो यूरो टॉप इलेवन वुड बी विनिंग दिस बिकॉज दिस टीम लैक्स आई एक्सपीरियंस अ अट थोड़ा सा जेल वेल का इशू होगा यहां पर पता नहीं कैसे खेलेंगे कृष्ण रोमेरो मार्किनी ऑस बाकी उधर तुम देखो हैरी मेगोरन एंड नहीं का डिफेंसिव पार्टनरशिप देख के एकदम माउथ वाटरिंग है भाई मज़ा आ जाएगा सो दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट कोपा अमेरिका इलेवन एंड यूरो टॉप इलेवन बाकी अब थोड़ी सी बात करनी है यहाँ पे अर्जेंटीना और इटली के बारे में जो बात चली कि दे वुड बी मैराडोना कप दैट वुड बी हैपनिंग इसका एक और नाम है दूसरा मुझे वो भी याद नहीं आ रहा है तुम लोग कॉमेंट्स बता देना वो कौन सा नाम है उस तो, उस कप का जो कि पहले हुआ करता था यूरो विनर्स वर्सेज कोप अमेरिका विनर तो ये जो ट्रॉफी है है अभी ये एक्चुअली एक, एक ट्रॉफी नहीं है एक मैराडोना कप नाम से एक ट्रिब्यूट है जो कि मैराडोना पे मैराडोना के लिए करेंगे ये ना, नापोली के स्टेडियम पे तो दैट्स अ वेरी गुड ट्रिब्यूट टू मैराडोना ठीक है एंड मुझे लगता है कि होगा एंड ये बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड हो चुका है इसकी बातें मतलब कौन में मैं का प्रेसिडेंट बात कर रहा है वहां पे यूएफए के प्रेसिडेंट से कि भाई ये कराते हैं तो लेट्स सी होगा कि नहीं होगा एंड अगर होगा तो भाई मज़ा आ जाएगा मतलब अर्जेंटीना वर्सेस इटली इटली बेस्ट टीम ऑफ यूरोप अर्जेंटीना बेस्ट टीम ऑफ साउथ अमेरिका तो भाई प्रोडिक्शन टाइम आ चुका है दो तुमको पता है कि मेरे प्रोडिक्शन हमेशा गलत होता है मैं कभी कभी सही नहीं होता प्रोडिक्शन में सो लेट मी नो कि आप प्रोडिक्शन तुम्हारे कौन जीतेगा तुम्हें तो पता है मैं किसको सपोर्ट करूंगा है ना अगर नहीं पता तो मेरे पुराने वीडियो जाके देगा तुम्हें पता चल जाएगा मैं किसको सपोर्ट Otherwise, leave a like and subscribe to the channel, guys. I'll see you very soon. Until then, as always, peace out.